ઇન્ટાસ તરફથી આપણને એક રજૂઆત છે કે એમની પાસે જે સોલ્યુશન છે એ વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી આપણને અમિત ગુપ્તા કે જેઓ ઇન્ટાસની અંદર છે એ આપણને આપશે. હાય, ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીબડી. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. સો ટુ સ્ટાર્ટ વિથ માય થેન્ક્સ ટુ ધ ફેડરેશન ફોર ઇન્વાઇટિંગ અસ ઇફ્તાસ to talk about what we do and how potentially it can benefit you. I will try to mix Hindi to some extent where I can. So please excuse me for mostly English talk. My colleague Suresh will also help me in discussing about core banking solution. So mostly we will talk about cloud ke bare mein baat karenge. Badal, so we talked about umbrella a lot, so time for some cloud, a different kind of cloud. So before we go into cloud, I will try to introduce what Iftas is, what we do. So Iftas is a company, section 8 non profit company, 100% owned by IDRBT. And IDRBT, which is Institute of Development and Research in Banking Technology, was established by RBI. IFTAS stands for Indian Financial Technology and Allied Services. Hum log do main kaam karte hain. Ek kaam hai payment system aur dusra hai cloud. Jo payment system hai, जैसे कि आप RTGS और NEFT करते हैं, तो किसी बैंक से किसी बैंक में अगर आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं RTGS NEFT, तो वो IFTAS के सिस्टम से जाता है. विच मीन्स IFTAS ऑपरेट्स द RTGS NEFT सिस्टम फॉर ऑल द बैंक्स इन इंडिया. सो दैट इज़ वन वर्क विच वी डू, एक काम करते हैं. दूसरा जो काम है वो है क्लाउड. सो क्लाउड पे हम बहुत सारे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस अप एंड रनिंग हैं जो हम बैंक्स को ऑफर करते हैं. तो हम जो पेमेंट वाला पार्ट है वो बहुत ही छोटे में देखेंगे, और क्लाउड वाला पार्ट है जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, उस पर हम ज़्यादा टाइम देंगे. सो इन्फिनिट जो एक कॉम्पोनेंट है वो पेमेंट सिस्टम का कॉम्पोनेंट है. इन्फिनिट एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो पूरे इंडिया को सारे बैंक्स को कनेक्ट करता है और RBI के साथ कनेक्ट करता है उनको. सो जितने भी RTGS NEFT के मैसेजेस जाते हैं, जब भी आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं एक मैसेज जाता है बैंक से दूसरे बैंक में, वो इन्फिनिट नेटवर्क के ऊपर जाता है. तो जैसे मैंने कहा, इसके इन्फिनिट पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो मैं स्किप कर रहा हूँ इस स्लाइड को. SFMS जो इन्फिनिट के ऊपर एक सॉफ्टवेयर रन करती है उसको SFMS हम कहते हैं. और ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जितने भी RTGS NEFT के मैसेजेस आते हैं उनको आगे बढ़ाती है, दूसरे बैंक को देती है, जो बेनिफिशियरी बैंक है उनकी तरफ देती है. सो इन्फिनिट एंड SFMS दोनों मिलाकर RTGS NEFT का सिस्टम काम करता है. फिर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इन्फिनिट में, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं क्लाउड पे. तो जो क्लाउड है वो उसको हम बैंक ऑन क्लाउड कहते हैं. सो इस क्लाउड पे हमारे पास कुछ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशन ऑलरेडी हैं, रन करते हैं, बैंक्स यूज़ करते हैं और पोटेंशियली आप भी यूज़ कर सकते हैं. कुछ सॉल्यूशन बन रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन आगे आएंगे. तो हम जो करते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आती रहती है मार्केट में, जो बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़ कर सकते हैं. तो हमारा एक ये काम है कि हम इन हाउस कुछ नई चीज़ें बनाते हैं,
लेकिन हम बाहर मार्केट में भी देखते हैं कि क्या कोई अच्छी चीज़ है जो बैंक्स यूज़ कर सकें, तो या तो इन हाउस हो या बाहर से हम लें, हम उन सारे सॉल्यूशन को इंटीग्रेट करके क्लाउड पे ऑफर करते हैं आप जैसे बैंकों को। और चूंकि ये सॉल्यूशन क्लाउड पे हैं तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक नया ब्रांच ओपन किया, आप अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इफ्तास का यूज़ कर रहे हैं और आपने एक नया ब्रांच ओपन किया, तो आपको उस ब्रांच में कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक लैपटॉप, एक मशीन, एक कंप्यूटर और एक इंटरनेट कनेक्शन और एक प्रिंटर, बस ये तीन चीज़, लैपटॉप, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन, उसको यूज़ करके आप कंप्लीट कोर बैंकिंग का ऑपरेशन कर सकते हैं उस ब्रांच का। वैसे ही हमारे पास मोबाइल बैंकिंग क्लाउड पे है, तो अगर आप मोबाइल बैंकिंग ऑफर करना चाहते हैं आप अपने कस्टमर्स को और आपके पास RBI का लाइसेंस है, तो बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के आपके साइड में आप डायरेक्टली मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं इफ्तास के क्लाउड पे। तो ये रेडी टू यूज़ सॉल्यूशन है, आप बहुत जल्दी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये जो क्लाउड है इफ्तास का, ये कम्युनिटी क्लाउड है। सो जो जैसे आपने बहुत सारे क्लाउड हैं दुनिया में जिसमें कोई भी लॉगिन कर सकता है, कोई भी सर्विसेज यूज़ कर सकता है उस क्लाउड में, लेकिन ये जो इफ्तास का क्लाउड है ये सिर्फ इंडिया में बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है। तो हम किसी और को इसमें अलाउ नहीं करते हैं। तो क्लाउड का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत है, तो एक तो तरीका है कि आप एक सर्वर खरीदिए और उसको अपने ऑफिस और बैंक के प्रिमाइस में रखिए, और दूसरा तरीका है कि आप उसको क्लाउड से लीजिए। सो जब आप उसी सर्वर को क्लाउड से लेते हैं तो आपको सिर्फ कनेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आपको मिलते हैं, जैसे कि अगर आप CBS लेते हैं और आप उसको CBS को इन हाउस इंस्टॉल करते हैं तो आपको बैकअप लेने की ज़रूरत है रोज, डेली बेसिस पे। आपको अपने डेटा सेंटर को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा सिक्योरिटी के मामले में, आपको फायर के मामले में अच्छे से मैनेज करना होगा, आपको अगर उस डेटा सेंटर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपके पास एक दूसरा डेटा सेंटर होना चाहिए, डिज़ास्टर रिकवरी उसको बोलते हैं, तो सिर्फ एक डेटा सेंटर से काम नहीं चलेगा, दूसरा डेटा सेंटर होना चाहिए, उस दूसरे डेटा सेंटर में भी सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी की हो या सेफ्टी की हो, और बहुत सारी चीज़ों में रिडंडेंसी की बात होती है, जैसे कि आपके पावर दो सप्लाई होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, कहीं एक में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दूसरा लोड ले ले, तो इस तरह की बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बट छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको करना पड़ेगा अगर आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन प्रिमाइस रखते हैं। क्लाउड में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो इफ्तास के पास ऑलरेडी दो डेटा सेंटर्स हैं, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं एक बैंक के सिस्टम के ऑपरेट करने के लिए, सेफ्टी के लिए, डिज़ास्टर रिकवरी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं, सिर्फ आपको उस सर्विस स्टार्ट कर देना, दैट्स इट। सो हम तीन चार चीज़ें ऑफर करते हैं, हम उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एक तो कोर बैंकिंग है, और मैंने बात भी किया कि मोबाइल बैंकिंग है, तो चैनल करके कुछ प्रोडक्ट हैं, मोबाइल बैंकिंग एक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड BC मॉडल, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस मॉडल, जो कि टैबलेट बेस्ड बैंकिंग है, आप अपने बैंक एम्प्लॉय को टैबलेट के जरिए दूर जगहों पे जाके वहाँ पे भी बैंकिंग करा सकते हैं, वो भी हैं, और कुछ सराउंड एंड कॉरपोरेट भी हैं जो हम थोड़ी देर में देखेंगे।
तो इफ्तास जो करती है जो दो मेन चीज़ें, एक है फिनटेक सॉल्यूशन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, काफ़ी चर्चा हुई सुबह में भी और लंच के बाद भी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में बैंक्स के लिए. तो हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं और हम क्लाउड एक्सपर्ट हैं. सो वी ऐड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इन वन प्लेस एंड ऑफर दैट टू बैंक्स. क्लाउड में और भी सारे बेनिफिट हैं, जिसमें आपको कुछ मैंने अभी बताया, और भी बेनिफिट्स हैं कि आपको कैपेक्स की ज़रूरत, कैपिटल एक्सपेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑपरेशनल एक्सपेंस की ज़रूरत है. आपको मंथली पे करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग अ फ्रंट कैपिटल एक्सपेंस. और भी कुछ आपके बेनिफिट हैं क्लाउड में जाने के, हम साथ में देखेंगे. ये थोड़ा टेक्निकल है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जो इफ्तास का जो क्लाउड है और इफ्तास का जो डेटा सेंटर है ऑलरेडी काफ़ी एडवांस्ड है, और उसमें जितनी भी सिक्योरिटी रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड हो या फिज़िकल सिक्योरिटी रिलेटेड हो, जितनी भी ज़रूरत है वो सारा ऑलरेडी अवेलेबल है. ये जो पेज है ये दिखलाता है कि हमारे पास, हम क्या क्या सॉल्यूशन ऑफर करते हैं. सो ठीक है, हमारे पास क्लाउड है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम आपको, आप बैंक्स को क्या देते हैं. सो सबसे ऊपर कोर बैंकिंग है जो हम ऑफर करते हैं, और अपार्ट फ्रॉम कोर बैंकिंग देर आर सेट ऑफ चैनल सॉल्यूशन लाइक मोबाइल बैंकिंग, CKYC, वॉलेट, SMS बैंकिंग, OTP, माइक्रो ATM, FIBC इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. केरला में हमने एक ऑलरेडी चार DCCBs में FIBC इम्प्लीमेंट करी है, जिसमें टैबलेट के बेसिस पे उस केरला DCCB के एम्प्लॉयज़ दूर जगहों पे जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे बैंकिंग ऑपरेशन, अकाउंट ओपनिंग, कैश डिसबर्सल, कैश डिपॉजिट एक्सेट्रा करते हैं. इंटरनेट बैंकिंग, EKYC, पेमेंट गेटवे, IMPS इज़ पार्ट ऑफ मोबाइल बैंकिंग एंड बिल पेमेंट. ये सारे चैनल प्रोडक्ट्स हैं. इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अप एंड रनिंग हैं, कस्टमर्स यूज़ करते हैं, कुछ प्रोडक्ट हम बना रहे हैं. सराउंड में जो कोर बैंकिंग के आसपास आता है, SFMS ऑन क्लाउड, एनालिटिक्स, GST इनका भी एक सॉल्यूशन है, गोल्ड स्टोर. बहुत सारे छोटे बैंक्स हैं जो फाइल, अपने इम्पोर्टेंट फाइल्स ठीक से स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो गोल्ड स्टोर इज़ ए सॉल्यूशन वेयर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू गूगल ड्राइव यू कैन स्टोर फाइल विथ इफ्तास. गूगल ड्राइव यू डोंट नो वेयर द फाइल इज इन द वर्ल्ड, मे बी आउटसाइड द कंट्री, वेयर एज यू नो विथ इफ्तास इट इज़ विथ विद इन द कंट्री एंड दैट टू विथ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉन प्रॉफिट एंड 100% ओन्ड बाई IDRBT. लोन ओरिजिनेशन सिस्टम, AML, गोल्ड आर्काइव सोल्यूशन है कि जब आप पुराने CBS से नए CBS में जाते हैं तो आप पुराने डेटा का क्या होगा, उसको तो आप डिस्कार्ड कर नहीं सकते, तो उसको भी आप क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं गोल्ड आर्काइव सॉल्यूशन में. रिस्क मैनेजमेंट एंड सिमिलरली कॉरपोरेट में ई लर्निंग, ईमेल, HRMS, देर आर सेट ऑफ सॉल्यूशन, फिनटेक सॉल्यूशन विच वी ऑफर टू बैंक्स इन इंडिया. और सबसे नीचे जब आएंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपको सिर्फ प्लेन मशीन चाहिए और आप चाहते हैं उस मशीन पे आपके खुद के सॉफ्टवेयर, आपके किसी और वेंडर के सॉफ्टवेयर उस पर रन करें, देन इट इज़ कॉल्ड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. तो उसमें हम आपको क्लाउड पे एक खाली मशीन देंगे, उस पर आप जो चाहें आप करें. सो सिक्योरिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सबसे पहला सेशन था वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में था, तो आपने सुना कि कितना इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी. तो जो हमारा डेटा सेंटर है वो दो अलग अलग सेस्मिक जोन में है. अगर एक जगह पे अर्थक्वेक आता है तो चांसेस आर वेरी लेस दैट
same earthquake, dono jagahon pe ek saath aaye. Both data centers are highly secured. मैंने अभी बताया कि जो हमारा क्लाउड है उसका एक और नाम है IBCC, इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड. इट्स ए कम्युनिटी क्लाउड, सो वी डोंट अलाउ एनीबडी एल्स टू कम इन. सो दैट इज़ अनदर फैक्टर विच गिव्स बैंक्स कम्फर्ट. देर आर मच मोर सिक्योर्ड वे टू कनेक्ट, बट इट विल कॉस्ट यू मोर. देर इज ए वे टू कनेक्ट टू आवर क्लाउड थ्रू इंटरनेट, बट देर इज़ ए इवन बेटर सिक्योर्ड वे टू कनेक्ट टू आवर क्लाउड if you are willing to take that cost. Jo log internet se connect karte hain without additional cost, we have a very high military grade encryption system in place. To jo bhi data cloud se aapke branch mein travel kar raha hai over internet, ya aapke branch se cloud mein travel kar raha hai over internet, wo sara data bilkul hi secured rahega because of this encryption mechanism. Jitne bhi customers hain unke sabke virtual लैन, जो लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, तो क्लाउड में फिजिकल लैन नहीं होता, वर्चुअल लैन होता है. तो जितने भी कस्टमर हैं उनके सबके हम सेपरेट सेपरेट वर्चुअल लैन क्रिएट करते हैं, कि ऐसा ना हो कि एक कस्टमर का डेटा दूसरे कस्टमर को के पास जाए या विजिबल हो जाए. बहुत सारे प्रोसेसेस इन प्लेस विद इन इफ्तास, जिससे कि हम इंश्योर करते हैं कि आपका डेटा जो क्लाउड में है, जो हमारे क्लाउड में है, कभी भी कंप्रोमाइज ना हो. एक और प्रॉब्लम आता है जब आप ऑन प्रिमाइज सॉफ्टवेयर और सर्वर लेते हैं, कि उसका अपग्रेड करना. विंडोज़ हो या यूनिक्स हो या लिनक्स हो, हमेशा पैच आते रहते हैं, उनको अपग्रेड करते रहना पड़ता है. तो वो सारा हेडेक भी आपका नहीं होगा, हम उसको रेगुलरली करते रहते हैं. हमारे पास जो फायरवॉल हैं और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, बिल्कुल ही स्टेट ऑफ द आर्ट है. तो ये सारा जो सिस्टम मिलजुल के इंश्योर करता है कि क्लाउड इज द रिस्क ऑफ गेटिंग कंप्रोमाइज्ड इज वेरी लो. हमारा जो डेटा सेंटर है वो Tier 3 और Tier 4 है, एंड हम लोग काफ़ी रिगोरसली मॉनिटर करते हैं क्लाउड को, कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम ना हो ऑपरेशनली या फ्रॉम सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट. मैं थोड़ा इसमें डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड प्रेटी हॉट टॉपिक गिवन सम रिसेंट इंसिडेंट्स इन बैंक्स इन इंडिया. ये थोड़ा उसी जो मैंने बताया उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, सो आई विल स्किप इट. ब्रीफली, तो क्या बेनिफिट है क्लाउड का? रेडिली इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल सकता है. आपको आप हमें ऑर्डर दीजिए, 2 दिन में आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा क्लाउड पे. जितना भी ऑपरेशन है, जो अगर आप इन हाउस सर्वर लेते हैं, जो भी ऑपरेशन है उसके बहुत सारे हैसल्स हैं. आपको मैन पावर चाहिए, जो आप हायर करते हैं वो छोड़ जाएगा, फिर दूसरा कोई चाहिए, DR चाहिए, एक्सेट्रा. वो सारा हैसल्स वो आपके सर पे ना होकर इफ्तास के पास रहेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्केलेबिलिटी, अगर आपको आज एक सर्वर चाहिए, आपको कल को आपका बैंक एक्सपैंड करता है, आपको ज़्यादा सर्वर चाहिए, तो बहुत आसान है. एक ही मशीन में हम इजिली उसको बड़ा कर सकते हैं. एक ही मशीन को, जो फिजिकल हार्डवेयर होता है उसको, उसी मशीन को बड़ा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो वर्चुअल हार्डवेयर होता है क्लाउड पे, उसको बड़ा करना बहुत आसान है. जो भी लाइसेंस चाहिए, जैसे विंडोज़ का लाइसेंस हुआ, उसका भी आपका हेडेक नहीं है, वो सब हम मेंटेन करते हैं. कुछ भी अपग्रेड होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, भले ही पैच हो या मेजर अपग्रेड हो, वी टेक केयर ऑफ दैट. अगर आप सर्वर खरीदते हैं, 5 साल बाद वो पुराना हो जाएगा, आपको नया खरीदना पड़ेगा. सो ऐसा सिचुएशन भी आप अवॉइड करते हैं अगर आप क्लाउड पे जाते हैं. सो इट्स द क्लाउड प्रोवाइडर विच मेक श्योर दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज अपग्रेडेड रेगुलरली. एंड फाइनली, जो मैंने पहले भी बताया कि आपको अगर आप सर्वर खरीदते हैं ऑन प्रिमाइस, तो आपको कैपेक्स स्पेंड करना पड़ेगा, वेयर एज इफ यू टेक ऑन क्लाउड इट विल बी मोस्टली ओपेक्स.
तो अभी हम कहाँ पे हैं इफ्तास? कोर बैंकिंग 60 पैक्स ऑल मोर देन 200 ब्रांच ऑलरेडी लाइव, 15 UCBs अक्रॉस इंडिया इन मल्टीपल स्टेट्स ऑलरेडी यूजिंग इट. रिमेंबर इफ्तास इज जस्ट अबाउट 1.5 ईयर ओल्ड कंपनी, वी आर वेरी यंग. FIBC मैंने बताया, FIBC इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग करस्पॉन्डेंस मॉडल, टैबलेट बेस्ड बैंकिंग. 4 DCCBs इन केरला, वॉलेट 1 DCCB, SMS ऑल द पैक्स एंड 2 UCBs दे यूज़ SMS बैंकिंग अपार्ट फ्रॉम कोर बैंकिंग. 2 वेरी लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स यूज़ लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन टू ट्रेन देयर 10,000 प्लस एम्प्लॉइज ऑन क्लाउड. 1 DCCB एंड 1 RBI एंटिटी ऑल्सो यूजेज देयर ईमेल ऑन इफ्तास क्लाउड. एंड देर आर मोर देन 15 बैंक्स हु यूज जस्ट प्योर एंड सिंपल सर्वर ऑन आवर क्लाउड. सो हम आपको कैसे बेनिफिट कर सकते हैं? एक तो बेनिफिट ये है कि जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी काफ़ी रैपिडली चेंज हो रही है, तो इट इज़ आवर जॉब टू कीप ट्रैक ऑफ दैट एंड फ्रॉम आइदर इन हाउस घर में, मतलब इफ्तास के अंदर बनाकर, या बाहर से खरीद कर हम लेटेस्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्लाउड पे रखते हैं जिससे कि आपको बेनिफिट हो. सो जो स्पेक्ट्रम है सॉल्यूशन का वो काफ़ी अच्छा है और ग्रो कर रहा है. इनोवेटिव सॉल्यूशन बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशन हमारे पास हैं और फ्यूचर में हमारा इरादा है कि हम इनोवेशन करते रहेंगे. तो जो भी हमारे कस्टमर हैं दे विल बेनिफिट आउट ऑफ दैट. क्लाउड, जितने भी क्लाउड के बेनिफिट हैं हमने काफ़ी डिस्कस किए, वो सारे आपको मिलेंगे. एंड वी बिलीव दैट बीइंग सेक्शन 8 कंपनी, बीइंग 100% ओन्ड बाय IDRBT, वी आर ए ट्रस्टेड पार्टनर. सो एनी क्वेश्चन सो फार, एंड देन विल डिस्कस ऑन कोर बैंकिंग लिटिल बिट मोर डिटेल. Okay, so I will invite Suresh to walk us through a little bit more detail on core banking system which Iftas has. Thank you. Good evening all. So we are going to see some of the key features of the core banking system that we are offering on our cloud. So this is the architecture. As Amit was highlighting, we don't want to go deep into the technology part. Okay. So these are two types of connectivity, where you can have the normal internet, where with minimum bandwidth you can connect to the cloud, and the other is the MPLS, because that's a bit costly. So these are all the places where we have implemented the core banking system solution. So these are all the states. So hope we find some place in Gujarat also. So we'll see some of the key features of the core banking system, the modules or the features. So customer information, general ledger accounting, masters, maker checker concept. Of course, the entire solution will be of maker checker concept. So cash management module, where you can define a vault, head cashier, cashier, this kind of typical big banks architecture also you can define. Or if it is a small unit bank where this vault concept and these are not required, also can have a normal cash system. Checkbook module, service branch module, remittances, interest calculation, sundries account management. Sundries account management also we have a specific feature, what we normally call the nominal accounting concept, where the sundries management can be well maintained, well tracked, and can reporting also is very easy, like what we maintain the sundry creditors and sundry debtors in banks. So standing instructions, safe deposit of lockers, definition of different types of lockers, rent collection, rent dues, then fees and charges. So what are the events where you want to define the charges and to collect the charges at different intervals, utility payments, collateral module, bills module, share capital. Of course, this is a fundamental or the basic requirement of the core banking system for urban cooperative banks. Dividend accounting, different types of calculation methods are supported.
where you want to take the interest calculation on the minimum balance or the maximum balance of the shareholding or the average balance, and what is the type of calculation methodology you want to adopt. So all these features are flexible and can be easily taken up from the bank. Audit module, ALM, KYC, mobile banking, of course this channel product, TDS module. TDS module is well defined, 15H, 15G, 26AS. All these online validations also can take place. Sorry. CASA, fixed deposit, insurance products. And coming to the loans also, you have various flavors of interest calculation, product definition, and sub-classification of loan products, trade finance, treasury. Of course, trade finance and treasury will be minimum, not like an advanced modules. And coming to the security features, I want to be a bit more specific here. Like the morning, still from the morning session, we are discussing more from security perspective. And coming to the CBS part, which is more specific or more secured, is the receivables and the payables part. Normally, in some of the core banking systems, these GLs will be open, and the users can do any type of transactions in these GLs. But here, it is only the CBS will allow you to post only the system-related transactions. It will not allow the front-end user to post any transactions. So similarly, the income and expense GLs also, where it will be logged kind of a thing, only one or two GLs as per our normal routine transactions where we do in the GLs. The rest of the GLs, like your income on your loans or expenditure on deposits, all will be logged kind of a thing. Only the system will allow you to post the transactions. And backdated entries also will not be allowed. Of course, some most of the UCBs, the auditing will take part on a later date, where the UCBs need some entries to be done on 31st March or some backdated entries. We do take up these things on an exceptional cases with prior approvals and take it as a one-time activity or so in addressing the requirement. But it will not be frequently, like where I can do a backdated entry on some in the system. And backups also, as Amit was highlighting, the UCBs need not worry about their backups, whether it is on a daily or a monthly basis. And at times, as per the regulations, we have to keep the backup in a different location. And of course, I was a banker, so we used to keep one backup in the police station. So for more from a security perspective or a safety perspective. So these kind of, what you call, the hitches need not be taken up from the bank side. It is all well taken care from on our cloud. Okay, so these are all the list of reports, even your RBI related reports, daily reports, dashboard analytics, all these features are well built in the system. And we have a list of ready interfaces. Of course, this is not part of the standard solution. This can be taken up based on their requirements as individually from the UCBs. So this is how we are spread out in the implementation of CBS Pan India. So we have one bank in Maharashtra, four in Madhya Pradesh, two in Uttar Pradesh, five in Karnataka, two in Kerala. So we have spread out Pan India. Okay, so if you have any queries or if you want to ask any questions, you are most welcome. Pardon? Pardon? For e-channels, for ATM, e-com, POS, which switch you are going to use? Your own switch or? No, we are not on switch. We provide the interface. Interface. Through so which you can connect it to, because it's again the bank choice, right? And what about the customization? If customization is required, customization for specific report or something. Customer specific. Customization. Report. Customization, you mean to say. Yeah. See, majority of the reports, like whatever the reports that are commonly required from a CBS perspective or a UCB perspective, all are well supported. There are 325 plus reports. What about the legacy data?
to be transferred of this new platform? Yeah, legacy data, see, the practice, and even we have informed RBI also, when RBI released the circular in 2016 April, asking all the urban cooperative banks which are not on CBS to partner with IFTAS in the implementation of that CBS. That is for new one. Yeah, yeah. That is for new one. But no, I'm we just are coming, on CBS since 2008. I'll come to your point. So then at that time we told RBI, see, migrating the history data is a real challenge. Yeah. We cannot do it also because there will be a lot of changes in the legacy data on the previous date. So, sorry, your question is? Sir, we are on CBS since 2008. Suppose we want to migrate on this new platform. Okay. I have to transfer all my data from my legacy to this new platform. Correct. And in between, one more question. What is the database you are going to use? Oracle? MS SQL. MS SQL? Yeah. Okay. So, two things possible. One is that I have told you before that we have a solution which we call archive. So, on that solution, pe, आप जब भी माइग्रेट करते हैं तो पुराना जो डेटाबेस है उसको हम आर्काइव में डाल सकते हैं बट व्हेन सम अथॉरिटी विल आस्क फॉर सम रिपोर्ट्स हाउ टू जनरेट बिकॉज़ ऑल द रिपोर्ट हां सो आर्काइव हैज फैसिलिटी योर डिजाइन डेटाबेस डिजाइन एंड माय डेटाबेस डिजाइन इज डिफरेंट करेक्ट सो दिस यू आर राइट सो ये जो आर्काइव सॉल्यूशन है इसको हमने ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि ये भी किसी भी स्ट्रक्चर पे काम कर सकता है तो इसका जो रिपोर्ट है रिपोर्ट का जो डिजाइन है वो काफी फ्लेक्सिबल है ओके और किसी भी स्ट्रक्चर पे हम उसको कुछ ही दिनों के अंतर में उसको कस्टमाइज करके आपको जैसा भी रिपोर्ट चाहिए वो दे सकते हैं क्योंकि ये जो आर्काइव सॉल्यूशन है इसका इंटेंट ही ऐसा है कि कोई भी बैंक जो माइग्रेट करता है सीबीएस उसका जो पुराना डेटा है वो अवेलेबल होना चाहिए किसी फॉर्म में रिपोर्ट के फॉर्म में मोस्टली तो जब यही इंटेंट था इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए तो उसको डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि आपको जैसा चाहिए रिपोर्ट वैसा मिल जाएगा Because nowadays RBI is also asking for data dump. Correct. So recently only they asked for one or two years back data dump. हाँ, so देखिए जो cloud पे हमारा जो solution है, तो यहाँ पे दो problem आप बता रहे हैं कि एक तो migration का problem है, एक है कि data को आपको preserve करना है. If I'm not wrong, 7 years you have to आपको data को minimum रखना होगा तो क्लाउड पे हमारा क्या है कि जैसे मैंने बताया दो सेंटर हैं ठीक है सर ऐसा नहीं है इनकम टैक्स अथॉरिटी स्टेटमेंट 99-98 से मांग रही है आज की तारीख में वो इश्यू कर रहे हैं लेटर हाँ ठीक है मतलब डिस्कशन ये नहीं है कि सात साल है या दस साल है डेटा हमको जब से अवेलेबल है तब से माइग्रेट करके रखना 100% आपका जैसा डेटाबेस है वो किसका रोल रहेगा हमारा या आपका आपका कौन सा डेटाबेस है अभी तो SQL है ठीक है जैसा डेटाबेस है एज इज हम उसको क्लाउड में रख सकते हैं और उसके ऊपर एक रिपोर्ट का लेयर बना सकते हैं जिससे कि आप जितने सालों तक चाहें आपको डेटा मिलता रहे उस पे ओके सिलेक्टिव मॉड्यूल मिल सकता है इस पे सर नहीं सिलेक्टिव मॉड्यूल नहीं मिल सकता टोटल कंबाइंड ही लेना पड़ेगा हां कंबाइंड ही लेना पड़ेगा व्हाट अबाउट द कमर्शियल ठीक है आई थिंक कमर्शियल तो डिस्कस ऐसे नहीं कर सकते okay. और आपको अगर कुछ क्वेश्चन है जो सबको इंटरेस्ट करता हो तो डेफिनेटली डिस्कस रफ आइडिया सपोज आई वांट टू यूज योर डीआर सर्विस ओनली इज इट पॉसिबल इफ ओनली डीआर सर्विस यू वांट टू यूज इट इज लाइक ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यस यू कैन यूज वी कैन यूज ना ओके थैंक यू थैंक्स एनी क्वेश्चन एनी Sorry? ESP models charges. See, CBS का मैं आपको बता रहा हूँ कि RBI का एक सर्कुलर है वो RBI के वेबसाइट पे भी है कि अगर आप IDR BT stroke IFTAS का CBS यूज करते हैं तो RBI has a special scheme for UCBs where RBI pays rupees 4 lakh as one time to IFTAS. ओके वो आपको पे नहीं करने की जरूरत है उसके अलावा आपको मंथली चार्ज 15,000 रुपीस पर ब्रांच पे करना पड़ेगा ये आरबीआई का सर्कुलर कहता है ठीक है हम लोग चार्ज करते हैं रुपीस 13,000 पर ब्रांच सो 2,000 रुपया कम ये सीबीएस का रेट है लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं बाकी सर्विसेज हैं उनके सारे रेट अलग अलग हैं और बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है
तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा ईमेल और मोबाइल नोट कर लीजिए, आप मुझे कभी भी कॉल कर लीजिएगा। तो ये मेरा ईमेल आईडी है और मेरा मोबाइल नंबर है। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी सर्विसेज हैं और बहुत सारे फैक्टर पे उसका कॉस्टिंग डिपेंड करता है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे लिखिए या मुझे कॉल कीजिए या एसएमएस कीजिए, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। सो एनी क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो थैंक यू सो मच। इप्टास ने अमित गुप्ताए आपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन नी अंदर एमना जे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन छे एनी जे क्वालिटी छे अने एनी अंदर जे फीचर्स छे ए आपने कीधा। आपने जोवानुं ए छे के आपणी पासे जे बीएस सॉल्यूशन आपणे वापरी रह्या छे शुं ते आटलू साउंड छे। हमणां ज आपणने समाचार मळ्या छे, सवारे विनोदभाईए पण कीधुं के केटलीक बैंकना डेटा चोरायाना पण समाचार आया ने आरबीआई सर्क्युलर पण ईस्यु करवो पड्यो। પ્રશ્ન એ છે કે આપણું સીબીએસ સોલ્યુશન આપણે જે વાપરી રહ્યા છીએ એ સિક્યોર છે કે નહીં, અને એ જો એ પ્રમાણેનું ના હોય, આપણે ક્વોલિટી જોઈ આપણે એમને અત્યારે બધી આપણે સમજાવી કઈ કઈ સેવાઓ આપણને એમાં ઉપલબ્ધ છે, કેટલું આસાનીથી આપણે એક માત્ર ઇન્ટરનેટથી એની જોડે જોડાઈ શકીએ છીએ, એ બધી વાત આપણને સમજાવી છે। તો હવે એક ટાઈમ છે કે જ્યારે આપણે જો સીબીએસ આપણે બદલવું હોય તો આપણે ઇપ્ટાસ સાથે જોડાઈ શકીએ, કારણ કે એ લોકોનું એક પ્રોનાઉન કહી કહી શકાય કે આરટીજીએસ અને એનઈએફટીનું પેકેજ એમનું છે। આ દિન સુધી ક્યારે આરટીજીએસ એનઈએફટીમાં કોઈ ગરબડ થઈ કે આપણે ક્યાં મોકલવું હતું ને ક્યાંક જતું રહ્યું? આ દિન સુધી ક્યારે નથી થયું। તો એની જે સિક્યોરિટી જે છે અથવા તો જે એ લોકો એમાં એની જ પ્રોડક્ટમાં જે ધ્યાન રાખે છે, આખું રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે એમની પાસે। ઇપ્ટાસ એ આઈડીઆરબીટીની ફૂલી ઓન સંસ્થા છે, એટલે આખું રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યુશન કામ કરે છે, એટલે આપણને જે કોઈ પણ પેકેજ મળશે